ऑनर्ड कि सर हमारी कॉलेज में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। पूरे देश में दो ऐसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं जो अपनी शादी के सवालों पर अक्सर बचते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान और राजनीति के चैंपियन राहुल गांधी की। ये दोनों इसलिए परेशान है कि इनकी शादी नहीं हो रही है और पब्लिक इसलिए परेशान है कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। यही वजह है कि ये दोनों जहां भी जाते हैं लोग इनकी शादी को लेकर सवाल जरूर पूछने लगते हैं। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए, जो अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी को देश भर में मजबूती देने में लगे हैं और बिजी इतने हैं कि अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है खुद राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खास तौर पर देश के युवाओं में खासे फेमस है। यही वजह है कि वो आए दिन अलग अलग वर्ग के युवाओं के साथ मुलाकात करके उनके विचार साझा करते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जयपुर स्थित महारानी कॉलेज गए थे। यहाँ कॉलेज छात्राओं ने उनसे पसंदीदा खाने से लेकर फेवरेट प्लेस तक कई सवाल किए। राहुल गांधी के 13 मिनट का ये वीडियो उनके YouTube चैनल में अपलोड किया गया है जिसका कैप्शन है स्कूटी की सवारी एंड चिट चैट विद आज की नारी। वीडियो के शुरुआत में ही राहुल जयपुर के महारानी कॉलेज आते हैं और वहां से स्टाफ से मुलाकात के बाद कॉलेज की छात्राओं के साथ सवाल जवाब और हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। इसी मस्ती के बीच कुछ लड़कियों ने राहुल से पूछा कि अब तक आपने शादी क्यों नहीं की। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा, अपने काम और कांग्रेस पार्टी के कामों को लेकर इतना बिजी हो गया कि शादी के बारे में सोच ही नहीं सका। सुनिए। क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स ने राहुल से पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब वाला हिस्सा वीडियो में नहीं दिया गया। इसके बाद एक छात्रा ने राहुल से पूछा, सर आप इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, फिर अब तक शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसके जवाब में राहुल ने क्या कहा सुनिए। एक दिन PM बने तो आप क्या करेंगे? सर आप इतने स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। इसके बाद एक छात्रा ने राहुल से जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया कि वो इसे लेकर क्या सोचते हैं। सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि सच्चाई ये है जो लोअर कास्ट है वो देश के पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि देश में OBC कितने हैं, दलित कितने हैं और ट्राइबल्स कितने हैं। अगर आपको चोट लगती है तो पहले एक्सरे किया जाता है कि हड्डी कहाँ टूटी है, फिर उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। जातीय जनगणना भी एक्सरे की तरह ही है। इससे पता चलेगा कि कितने लोग हैं, किस कम्युनिटी के हैं, इससे पता चलेगा कि उनका स्टेटस क्या है। इसके बाद एक और छात्रा ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि अगर आप नेता नहीं बनते तो क्या बनते। राहुल ने जवाब दिया, मैं बहुत कुछ बन सकता था, जैसे टीचर या फिर कुक। फैक्ट ये है कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, OBCs हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ही नहीं। और किसी को ये नहीं मालूम कि OBCs कितने हैं, दलित कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं। तो जैसे आपको चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं, चलो एक्सरे करते हैं। एक्सरे करके देखते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कहाँ टूटी है, कैसे टूटी है। तो कास्ट सेंसस है एक्सरे, कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल है। तो इट इज जस्ट टू सी भैया अभी स्टेटस क्या है, आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड कि दिस इज द स्टेटस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आई एम फॉर कास्ट सेंसस 100%। पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? So I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. So I'm multiple things. But that's a complicated thing to put across. एक और छात्रा ने राहुल से पूछा कि आपके कॉलेज क्रश का नाम क्या है, जिसका जवाब राहुल ने नहीं दिया। तो दूसरी छात्रा ने पूछा आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। राहुल ने कहा, मैं जहां तक अभी गया नहीं हूं, क्योंकि मुझे नई नई जगह घूमना और देखना बहुत पसंद है। इसके बाद एक छात्रा ने राहुल से उनकी पसंदीदा खाने के बारे में पूछा। राहुल बोले, करेला मटर और पालक को छोड़कर किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज क्रश का नाम
Now you see. Okay, सबसे favorite travel destination or food basically किसी area का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. Yeah. Yeah. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। एक छात्रा ने मजेदार सवाल करते हुए पूछा कि आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं, तो राहुल ने कहा मैं चेहरे पर कभी साबुन या फिर क्रीम नहीं लगाता, केवल पानी से चेहरा धोता हूँ। आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। नेचुरल। सबसे मजेदार सवाल तो ये था जब एक छात्रा ने पूछा कि इंस्टाग्राम रील्स में आपका एक मीम चलता है जिसमें आप कह रहे हैं कि खत्म, टाटा, बाय बाय, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो राहुल ने कहा कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है, पर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है खत्म, टाटा, बाय बाय। कभी कभी कहना पड़ता है। आपको बता दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी शादी पर सवाल हुआ था और उसके बाद से ही ये सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हरियाणा के सोनीपत पहुंचे राहुल गांधी के बुलावे पर यहां की महिलाएं दिल्ली में सोनिया गांधी के घर खाने पर पहुंची। लंच पर सोनिया के साथ राहुल प्रियंका भी मौजूद रहे। इस दौरान तीनों की हरियाणा की महिलाओं से खूब चर्चा हुई। महिलाओं ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल किए थे, जिस पर सोनिया गांधी ने कहा कि आप ही लड़की ढूंढो ना। ऐसे ही एक बार पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने राहुल गांधी से मस्ती भरे अंदाज में कहा, महात्मा जी शादी तो करिए, दाढ़ी बढ़ाकर कहाँ घूम रहे हैं, हमारी बात मानिए, शादी तो करिए, मम्मी आपकी कहती थी मेरी बात नहीं मानता है, शादी आप लोग करवाइए। लालू के इस मस्त मौला अंदाज के बाद गंभीर विषय पर हो रही महागठबंधन की बैठक में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया जो अब तक जारी है, और राहुल की शादी को लेकर सवालों की बौछार भी जारी है, लेकिन अभी तक किसी को भी राहुल की शादी को लेकर सैटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाया है। वेल, अब तो हम भी कहेंगे 60 के हो चले हैं राहुल बाबा, अब तो शादी कर लीजिए ना। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।